Next question. Question says if the system is released, then the acceleration of center of mass of the system क्या होगा? Now हमें ये नहीं बताना कि acceleration of blocks क्या होगा, हमें बताना है acceleration of center of mass क्या होगा. So पहले यहाँ पे letter से दोनों एक ही location पे दोनों particle चल रहे हैं, तो ये 3m का block है, नीचे a acceleration से जाएगा, ये आपका a acceleration से ऊपर जाएगा. हमें दोनों का a acceleration निकालने के लिए ये formula पता है, NLMS की बात कर चुका है, a will be equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2g, ये आपका a acceleration आ जाएगा. तो इस केस में अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें तो ये a आपके ब्लॉक्स का acceleration है, ध्यान रखना, राइट. तो यहाँ वैल्यू रख दें तो ये आएगा आपका 3m minus m divided by 3m plus m multiplied by g, so इसकी वैल्यू हुई 2m divided by 4mg, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी g by 2. तो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स आपके हो गए g by 2. ना ऊपर वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कह देते हैं, नीचे वाली डायरेक्शन को लेट अस से हम नेगेटिव कह रहे हैं, ठीक है. तो इस केस में हमें बताना है एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो सेंटर ऑफ मास का. तो ए सी ओ एम जो है उसको आप लिखेंगे m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ना इस डेटा को अगर अपने इस सवाल के लिए लिखें तो ए सी ओ एम जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू एम वन, यानी कि आपका m मल्टीप्लाइड बाय प्लस जी बाय टू प्लस थ्री एम मल्टीप्लाइड बाय माइनस जी बाय टू, बिकॉज इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ होएगा, डिवाइडेड बाय आपका m प्लस थ्री एम. सो नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो जी बाय टू कॉमन ले लेते हैं, जी बाय टू कॉमन लिया, ये बचा आपका m माइनस थ्री एम डिवाइडेड बाय एम प्लस थ्री एम. सो ये ऊपर बचा आपका ये हो गया जी बाय टू मल्टीप्लाइड बाय टू एम डिवाइडेड बाय फोर एम, यानी कि आपका एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर मास ये आ गया, अच्छा माइनस साइन भी है यहाँ पे, माइनस जी बाय फोर. जी बाय फोर ये बता रहा है कि एक्सेलेरेशन आपका नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, बिकॉज इसको डायरेक्शन हमने नेगेटिव मानी है, हेंस आपका ऑप्शन नंबर वन मैग्नीट्यूड जी बाय फोर वुड बी द राइट आंसर.